हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए डॉन मूवी के प्री क्लाइमैक्स सीन का रिएक्शन। एंड ये जो सीन है बहुत ज्यादा ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि जो है मूवी इतने मजेदार मोड में आ चुकी है। लाइक अभी हम देख रहे हैं किस तरीके से, लाइक भूमिनाथन लास्ट में बस देख रहे थे कुछ ना कुछ, उनको शायद कैमरा में दिखा था या दिखा था कि वो बंदा कैमरा यूज कर रहा था, वैसा शायद लगा कि दिखा। और साथ में ली है कि लाइक टीचर्स का एग्जाम भी ले लिया गया, तो गेम पूरी हो गई, फनी वनी भी हो गया सब। एंड साथ में वो लड़की भी समझ गई, लाइक वो जो सीन था ना जब उसने वो लड़की ने उनको बोला कि भाई मैं तेरे पे बिलीव नहीं करती, ये वो, तो आप वो बहुत रिलेट कर सकते हो। बिकॉज आप जब स्ट्रगल कर रहे होते हो तब आपके बहुत सारे लव्ड वंस होते हैं जो आप पे एक बार क्वेश्चन उठा लेते हैं, लेकिन फिर आप जब उनको रॉन्ग प्रूव करते हो तब आपको अच्छा लगता है, हाँ देखो भाई मैंने कर दिखाया। सो वही चीज़ था भाई। अभी ये एक पूरी कॉलेज मूवी थी, बट सीरियसली इतनी डिफरेंट थी ना कि इन्होंने पूरी गेम ही पलट रखी है कॉलेज में। लाइक टीचर्स से एग्जाम दिलवाई इन्होंने कितना, और फिर टीचर्स को उसी तरीके से परेशान किया, टॉर्चर किया, जो डायलॉग्स बोल के टीचर करती है कि तुम नाश्ता करना तो नहीं भूले, फिर एग्जाम्स के टाइम पे वो सीन देखने में काफी मजा आ रहा था। और फिर इनकी जो साइड में लव स्टोरी चल रही थी, लड़की ने सॉरी बोला एंड बोला कि नहीं मैं तुम्हें समझती हूँ, वो सब सीन भी एक काफी अच्छा सीन था देखने के लिए, इमोशनल था, लविंग सीन था। बट अब आगे देखना ये रहेगा कि आगे क्या रिजल्ट होता है। लाइक ये जा रहे थे डायरेक्टर बनने, अब वो क्या होता है, फिर इनके फादर को भी पता लगता है कि नहीं, देखते आगे क्या होता है। भाई देखते कैसा होगा, तो आप भी देखो हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। டேய் முதல்ல அந்த சூட்டிங்கன உள்ள வை, ஆ வைக்கிறேன், கந்தனட்ஸ் வர சொல்லு, கிளைமாக்ஸ் எடுக்கணும். அவனுக்கு தான் போன் பண்ணிட்டு இருக்கேன், எடுக்க மாட்டேங்கறான். டேய் கேமரா எடுங்கடா. அது வந்துரும் இப்போ. கோர் டேய் என்னடா ரத்தம் பெருசு, டேய் பாத்ரூம் போறப்ப வழுக்கி விட்டடா. டேய் ஒண்ணு இல்லடா, நான் என்னடா உளறறான், அவனுக்கு இன்னும் பாத்ரூம் சரியா போறது இல்லடா. நீ डॉन ने अगर कुछ भी किया और भूमि ने देख लिया तो भूमि सीधा सस्पेंड कर देगा। बट वो भी तो कैसे उनको इतना मारा कि और उनको अपना कैमरा भी चाहिए, सारा शूटिंग की मेहनत, सब रेडी बैठे। ये मस्त था, बहुत जोरदार था। भाई कितने लोग हैं, सबको दर्द है अपनी अपनी, पर तब भी आ रहे हैं मारने के लिए। अरे बताई था और शूट भी करवाया। இப்போ நீ அடிச்சதுக்கும் எவிடன்ஸ் இருக்கு, அடிச்சதுக்கும் எவிடன்ஸ் இருக்கு. இட்ஸ் அ ஃபிலிம் பாய் பூமிநாதன். அம்மா இந்த படம் எடுக்கிறிய, அது உங்க அப்பாக்கு தெரியுமா? இல்ல நே சார், ஒன்ன விட மாட்டேன்டா. ஏ சார், ஏன் நான் மூஞ்சி எனக்கு பிடிக்கல. मारने का मन करता होगा ना सच में ऐसे तो ब्रो, नाले काले उंगा अप्पा वर वच्चिरुंगा, अरे प्रूफ काटी मोत्तम मुड़िच्चिरला सर। सर
சூப்பர் போறதன் முடிவாயிருச்சு போறதுக்கு முன்னாடி உங்களே அமிச்சிடுறேன் எங்க மேல என்னடா பரோ கேரேஜ்னா ஒரு டாய் கானே சுத்தாண்டி கட்டிட்டு இருக்க क्या टाइमिंग थी उनको रियलाइज करा दिया कि रियल गन है तंबी सर डांसर नॉट इनफ पत्तल रिकॉर्ड हो रहा है पत्तल नहीं एवलो चेंज नाल ना उन्ना सुट्रू ஏனோ மூக்கு எனக்கு பிடிக்கல சச்சி நீ ஏன் இப்படி பேசு மச்சான் தப்பாயிச்சுடா எடுக்கறடா என்னாச்சு அவன் அந்த கண்ண தான்டா பத்ரவா கேசனா சா 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 ஓ சச்சி ஓ ரியல் கன்னே கண்ணு மாறிச்சுடா சார் வேண்டா சார் சார் சாய் சார் 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 சா 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 கண்ணு மாறிச்சுடா बाला ये बच्चे कैसे फिर से खून कर दिया और वो पता है वो लड़के ने कहा था कि मैं तेरे को डायरेक्टर बनना देना चाहता हूं ये ना बोल के ना सुटा ना नहीं बोल के रे सर ना पुलिस से सुन बैठे कंडा सुन बैठे कंडा सुन बैठे पुलिस से सुन बैठे नहीं ले सर सुसाइड காலையில காலேஜுக்குள்ள வர ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட ஐடி போட்டிருக்கியா ஷூ போட்டிருக்கியான்னு கேக்குற நீங்க சாயந்தரம் திரும்பி போகும்போது இன்ஜினியரிங் புரிய வச்சிட்டமான்னு என்னைக்காவது கேட்டிருக்கீங்களா சார் படிக்கிறவனுக்கு புரிய வைக்கவும் மாட்டீங்க படிக்காதவன ஸ்போர்ட்ஸ் கல்ச்சரல்ஸ் என்கரேஜ் பண்ணவும் மாட்டீங்க என்னதான் சார் பண்ணுவான் அந்த ஸ்டூடெண்ட் இதெல்லாம் மாறணும் சார் எப்படி மாத்துறதுன்னு உங்களை மாதிரி படிச்சவங்களுக்கு தான் சார் தெரியும் அண்ணா மாற வரைக்கும் இந்த டானின் கேள்விகள் தொடரும் ஜெய் ஹிந்த் கை இன்கம் ஃப்ரெண்ட் பீ ஹோய் தா டீ கிணறானா டிப்பணிக்கே நடிப்பா பூமிய பயந்துருச்சு ஓ வாய் கே கேலா இந்த தெரியும் நீங்க என்ன சஸ்பெண்ட் பண்ண போறீங்க எங்க அப்பா என்ன தூக்கி போட்டு மிதிக்க போறான் அதுக்கு முன்னாடி இவ்வளவு பிரம்மாண்டமான செட்டப்ல க்ளைமாக்ஸ் முடிச்சிரலாமேன்னு தான் சரி இது ஷூட்டிங் கன் சார் எல்லாமே டிராமா சார் என்ன புளுகிட்டீங்க அண்ணா என்ன போலீஸ் சொன்னீங்க செத்துக்கே சார் வணக்கம் சார் ஷூட்டிங் நேத்து பார்த்து பயந்தீங்களா ப்ளீஸ் ஆன சுத்தாரனா புள்ள குடிக்காரனா புள்ள குடிக்காரனா ப்ளீஸ் ஆன சுத்தாரனா புள்ள குடிக்காரனா நான் புள்ள குடிக்காரனா நான் புள்ள குடிக்காரனா ஆனா புள்ள குடிக்காரனா ஆனா புள்ள குடிக்காரனா ஓ பை லேலி இட்ஸ் எ ஃபிலிம் பை சக்கரவர்த்தி டைட்டில் அனௌன்ஸ் பண்ணிரோமா கேமரால அப்படியே சொல்லிருங்க சார் சுமைல் வச்சுக்கங்க அழகா இருக்கு லாஸ்ட் பெஞ்ச் தொட்ட நீ கெட்ட सही है। सुन के चलना सुन। हाँ? Oh my god। अच्छा वो फिसल गए ना? हाँ। ओ। होता है ना मजाक मजाक में चीजें खराब हो जाती हैं। Oh। अब ये ना हो ये इसमें चल बसे। क्या क्या हो रहा है ये? ये तो सच में ये रियल गुना उनकी लाइफ में कभी आसानी आती ही नहीं है नहीं भाई। थोड़ा हैप्पी होते हैं उसी टाइम कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है Thank you.
சார் இப்போதான் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் பார்த்தேன் மூளைக்கு ஒன்றும் பாதிப்பு இல்லை மைனர் கோலர் ஃப்ராக்சர் தான் இஸ் வெரி சேஃப் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் தேவை ஹீல் பி ஆல் ரைட் தேங்க் யூ சார் பட்டா பின் கா கே ஹோகா சேர்மேன் சொல்ற வேணும் எதுவும் பண்ணல சார் விளையாட்டா பண்ண நோ படை எடுக்கிறதுக்காக வேணும்னே தான் பண்ண இல்லை அஞ்சு நாள் உயிருக்கு ஏதாவது ஆயிருந்தா எவ்வளோ பதில் சொல்றது வீடியோ வைரல் ஆகி காலேஜுக்கு பேட் பப்ளிசிட்டி இவன் கூட சேர்ந்து அத்தனை பேரை டிஸ்மிஸ் பண்ணுங்க வித் தி பிளாட்மார் ஓகே சார் ஓ மை காட் சார் ப்ளீஸ் சார் ப்ளீஸ் சார் நான் உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது சார் எல்லா தப்பு நான் தான் சார் பண்ணேன் சார் ப்ளீஸ் சார் ப்ளீஸ் சார் சார் ப்ளீஸ் சார் எல்லாரையும் சஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க ஓகே சார் இவனை மட்டும் டிஸ்மிஸ் பண்ணி போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்க क्या चल रहा है ना सच्ची में सब सही होता हुआ दिख रहा था ये नहीं पढ़ी पुपक में बोमड़े आलोक बंद होने निकल गया लैपटॉप जला दिया उनका दे सिनेमा वाला लच्छत लो उतना ना जेब पा मत वाला पिक्चर ना ये पा ये वाला ना फ्रेंड बनना है अन्ना इन्हें की पढ़ा लिख रखा है वादे रे कोलो में ना लैपटॉप में सारी फाइल्स होंगी कोलो का रंट रहा நான் கொலை பண்ண போறத பாத்தியா நீ? ஆமா யான ஃப்ராட் தான். எதனால? ஒன்னாலயே முட்டாள் தனமான கண்டிப்புனாலயும். சின்ன வயசுல கதர கதர ஸ்கூல்ல கொண்டு போய் விட்ட. இப்ப வரைக்கும் படிப்பு படிப்புன்னு கதர விட்டு தனியா இருக்க. காச்சல்னால கொண்டு போய் ஸ்கூல்ல விடுவேன். ஃபெயில் ஆனா மொட்டை அடிப்ப. நீ சூடு வச்சிருந்தா கூட ஆறி இருக்கியா? ஆனா மேக்ஸ் மட்டும் சயின்ஸ் மட்டும் ஊர்ல எல்லாரும் கிண்டல் பண்ணது. அந்த வழி இன்னும் ஆரம்பதாயா இருக்கு. சைக்கிள்ல கீழே விழுந்தா ஓடி வந்து முதல்ல சைக்கிளை தூக்குவ. சைக்கிள் மேல வச்சிருந்த பாஸ்ல 1% அது என் மேல வச்சிருந்திருக்கியா நல்ல வேலை உனக்கு இன்னொரு குழந்தை பிறக்கல பிறந்திருந்தா அதையும் டார்ச்சர் பண்ணியே கொன்றுப்பேன் நானும் அவனை இன்ஜினியரிங் சேர்க்க சொன்னேன் அது வேணாம் தானே நான் கையை உடைச்சுக்கிட்டேன் அப்போ அது விட்டியா நீ உடைஞ்ச கையோட நீ எக்ஸாம் எழுத வச்சு ஆனா ஒரு வாரத்தை வழி எப்படி இருக்குன்னு கேட்டியாயா வீட்டில் உன் டார்ச்சர்லேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு தான் என் ஹாஸ்டலுக்கே போய் சேர்ந்தேன் அங்கே சோறு வாயில் வைக்க முடியாது என்னைக்காவது ஒரு நாள் திருப்தியாக அம்மா கையில் சாப்பிடலான்னு வந்தா அப்பவும் எக்ஸாம் இப்போ மார்க் என்னன்னு மட்டும்தான் கேட்பேன் சாப்பிடான்னு ஒரு வார்த்தை கேட்டிருக்கியா சினிமாசை வந்தோன்னு நேராக உங்ககிட்ட வந்தானே சொன்னேன் அப்பவே நீ பரவாயில்ல ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாடுறான்னு சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தா இப்போ எதுக்கே அந்த நிலைமை அதை விட்டுட்டு ஒரு பைத்தியக்காரனை கூட்டு வந்து நீயும் அப்படிதான் ஆயிடுவன்ற மனுஷனாயா நீ யோ இது வரைக்கும் நீ எனக்காக என்ன பண்ணிருக்க உனக்கு என்ன இந்த உலகமே இடிஞ்சு விழுந்தாலும் நான் இன்ஜினியர் ஆகணும் வேலைக்கு போய் அந்த எஜுகேஷன் லோனை அடைக்கணும் அதானே கவலைப்படாத அது எப்படியாவது நான் அடைச்சிடுறேன் யோ நீ சினிமாவில் தூக்குற 99,999 பேரை மட்டும்தான் பார்க்குறேன் ஆனால் நான் ஜெயிக்கிற அந்த ஒருத்தனை தான் பார்க்குறேன் எனக்கு தொல்லை கை போட்டு தட்டி கொடுக்குற ஃப்ரெண்ட்லியான அப்பாவுக்காக நிறைய ஏங்கியிருக்கு அப்படி ஒரு நாள் கூட எனக்கு அப்பாவே இருந்தது இல்லையா ये एक सीन के अंदर कितने सारे इमोशन थे लाइक पहले इतना हैप्पी इतना मजाक किया फिर इतना सस्पेंसफुल लेकिन जो लास्ट में इमोशन था ना वो बहुत सैडनिंग था बिकॉज चाहे वो सच बोल रहे थे लेकिन वो इंडियन अपने फादर को इस तरीके से बोल रहे थे थोड़ा दुख हो रहा था क्योंकि वो कह रहे थे कि तुम सैड हो तुमने मेरे लिए क्या ही किया है क्या करते हो तुम कुछ किया नहीं है और हर बार तुमने मेरे को परेशानी किया है तंगी किया है सो लाइक वो मतलब ये होता है ना कि फादर स्ट्रिक्ट होते हैं बट कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा ही सोच रहे होते हैं तो वो चीज़ वो बिल्कुल नहीं देख रहे थे और उनका बस ये था कि भाई आपने जो भी किया चाहे उनके फादर ने ऑफकोर्स बीच में मुश्किलें लाई हैं
और वो कई बार सही भी कहते हैं कि आपने मेरे को एक बार पूछा तक नहीं कि मैं खाना खाता हूँ कि नहीं, मैं ढंग से कुछ किया कि नहीं, आपको सिर्फ मेरे मार्क्स और इन चीज़ों के बारे में ही फ़र्क पड़ता था। तो वहाँ पर वो जो उनके बारे में पढ़ते तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल था एंड दिल दुखाने वाला था वो। एग्जैक्टली, और लाइक कितना सारा था, लाइक बीच बीच में ऐसा हो रहा था कि हम बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे, फिर एकदम से अरे ये क्या हो गया, जब उनकी फ्रेंड ने एक्टिंग की मरने की और वो ब्लड निकल रहा था तब हम हंसते हंसते एकदम से ऐसे शॉक हो गए, फिर वापस से हंस रहे थे, फिर वापस से जब प्रिंसिपल गिरा तब शॉक हो गए। तो वही था, एक रोलर कोस्टर था पूरे एक इमोशंस का, और पर पूरा सीन देखने में मज़ा आई काफ़ी कुछ। लाइक अब मूवी एंड की तरफ बढ़ रही है और काफ़ी सारी चीज़ें भी सामने आई अब लिटरली, लेकिन अभी तक भी ये क्लियर नहीं है कि क्या होगा इन दी एंड, लाइक उनके कॉलेज का क्या होगा, उनकी फिल्म का क्या होगा। अल्टीमेटली तो उनके फादर ने उनका लैपटॉप जला ही दिया, क्या कुछ नहीं होगा उस लैपटॉप में भी, उन्होंने इतनी बड़ी फिल्म शूट की, क्लाइमैक्स किस हिसाब से शूट किया यार, सीरियसली हम लोग सब ऐसे ही हो गए थे कि ओके अब तो इनकी फिल्म गई, अब तो सब खत्म, बट नहीं, वो भी एक क्लाइमैक्स, एक वो फिल्म का एक पार्ट था। बट अब देखना ये रहेगा कि कैसे ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब तो मुश्किलें इतनी हैं, अब तो प्रिंसिपल उधर हॉस्पिटल में, इन्हें सस्पेंड कर दिया, इनके फ्रेंड्स को सस्पेंड कर दिया, यहाँ पे लैपटॉप जला दिया, फैमिली से यू नो टकरार हो गई, बट वही है अब इतनी सारी प्रॉब्लम से कैसे आगे निकलेंगे। वही क्लाइमैक्स फुल ऑन मास होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें उसमें रिवील होंगी, कैसे ये अपनी जो फिल्म बनाएंगे और क्या करेंगे वो चीज़ देखने लायक होगी। तो आप लोगों को सीन कैसा लगा जरूर बताएगा, ऐसे ही लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।